नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने शनिवार को कहा कि चीनी लुआंग थर्ड क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ताइवान स्ट्रेट में यूएसएस चुंगहुन डिस्ट्रॉयर के पास एक असुरक्षित युद्धाभ्यास किया, जिससे बाद में टकराव से बचने के लिए धीमा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यूएसएस चुंगहुन DDG 93 और HMCS SFH 336 ने दक्षिण से उत्तर ताइवान स्ट्रेट ट्रांजिट 3 जून को पानी के माध्यम से एक नियमित रूप से आयोजित किया, जहां नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की उच्च समुद्र स्वतंत्रता लागू होती है। प्रागमन के दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी लुआंग थर्ड DDG 132 PRCLY 132 ने चुंगहुन के आसपास के क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से युद्धाभ्यास किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि चुंगहुन ने कोर्स बनाए रखा और टक्कर से बचने के लिए धीमा हो गया, लेकिन चीनी वायुशिप का निकटतम बिंदु 150 गज यानी कि 137 मीटर था और इसके कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षित मार्ग के समुद्री सड़क के नियमों का उल्लंघन किया। दरअसल मई के अंत में कमान ने कहा कि चीनी J-16 फाइटर जेट ने 26 मई को दक्षिण चीन सागर के ऊपर USRC 135 विमान को रोकते हुए अनावश्यक रूप से आक्रामक युद्धाभ्यास किया। एक प्रमुख रणनीतिक थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के लड़खड़ाते आक्रमण ने ताइवान पर संभावित आक्रमण के बारे में चीन को इरादों को बदल दिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और लगभग पूरे पश्चिम को पिछले एक साल से यूरोप में चल रहे खूनी युद्ध में निवेश किया है। इस सप्ताह के अंत में IISS द्वारा आयोजित सांगरी ला डायलॉग से पहले रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वार्ता पहले ही एक विवाद को जन्म दे चुकी है, लेकिन बीजिंग ने वॉशिंगटन से देशों के रक्षा प्रमुखों के बीच बैठक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर संघर्ष और इसके प्रभाव और अमेरिका और चीन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता सुरक्षा सम्मेलन का विषय होगा, जो लंबे समय से शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान को एक आंतरिक चुनौती के रूप में देखने के बीजिंग के दृष्टिकोण ने उसके आकलन को आकार दिया है कि द्वीप को फिर से हासिल करने के लिए चीनी बल का उपयोग पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध के विपरीत होगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने यूक्रेन के लिए पश्चिमी सहायता के प्रभावों और रूस के उप सैन्य प्रदर्शन में योगदान देने वाले तत्वों की जाँच की थी। दरअसल यह भविष्यवाणी करना असंभव था कि क्या चीन भविष्य में ताइवान को हड़पने के लिए बल का उपयोग करेगा, और बीजिंग के निर्णय लेने की प्रक्रिया न केवल सैन्य क्षमता के आकलन से प्रभावित होगी बल्कि संभावित अमेरिका और सहयोगी गैर के विचार से प्रभावित होगी। इस साल की शुरुआत में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की सेना यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से सीख रही है कि ताइवान पर किसी भी हमले को सफल होने के लिए तेज होना होगा। ताइवान के रक्षा मंत्री च्यू कुओ च्वेंग ने संवाददाताओं से कहा, रूस यूक्रेन युद्ध उनके लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आया है, वे गति की तलाश करेंगे। दरअसल रूस ने पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ब्लिटक्रिग जैसा सैन्य अभियान शुरू किया था। हालांकि यह यूक्रेन द्वारा एक कठोर और कुशल लक्ष्य के साथ मिला था, लेकिन आंशिक रूप से आक्रमण के लिए अग्रणी दिनों में पश्चिम द्वारा द्वीप को उपलब्ध कराए गए खुफिया आकलन के कारण हाल ही के वर्ष में बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना सैन्यकृत द्वीपों के आकार में तेजी से वृद्धि की है, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा समझौते स्थापित करने के लिए दबाव डाला और इस क्षेत्रीय दावों पर बयानबाजी बढ़ा दी है, जिससे अमेरिका और आसपास के क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ चीन की बढ़ती हठधर्मिता और बढ़ते हुए टकराव के बयानबाजी के साथ ताइवान ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण एशिया में एक संभावित सुरक्षा हॉटस्पॉट के रूप में अधिक ध्यान आकर्षित किया। अपनी ओर से चीन ने बार बार यह संकेत दिया है कि वह ताइवान के सर्वसाथी द्वीप राज्य पर कब्जा करना चाहता है और इसे चीनी मुख्य भूमि के साथ एकीकृत करना चाहता है, भले ही उसे बल का प्रयोग सहारा लेना पड़े। इसके अलावा पिछले साल अगस्त के बाद से इसने आक्रमण को वास्तविक बनाने के लिए सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है।
कई अवसरों पर चीनी पीएलए ने अपने बड़े पैमाने के सैन्य ड्रिल के हिस्से के रूप में ताइवान पर एक सशस्त्र आक्रमण का अनुकरण किया, जिससे उसने एक उभयचर हमले की पूर्वाभास किया, द्वीप को घेर लिया, द्वीप तक भारी पहुंच को काट दिया। और एक स्तर पर यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत होता है कि यूक्रेन में रूस की युद्ध क्षेत्र की निराशा बीजिंग में उन लोगों को विराम देगी जो अपने खुद के सैन्य कारनामों पर विचार कर रहे होंगे। हालांकि चीनी अधिकारी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के विशेष अभियान का ताइवान पर संभावित भविष्य के चीनी आक्रमण की बाधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चीन के सैन्य दुस्साहस में शामिल होने की संभावना के बजाय रूस और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रदर्शन से पीएलए जो बड़े कासात्मक सबक सीख सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयोगी हो सकता है। ताइवान के लिए संभावित सबक के साथ यूक्रेन को पूर्ण पैमाने पर शत्रुता से पहले सैन्य क्षमता निर्माण के हाल के इतिहास में सबसे सफल मामलों में से एक के रूप में देखा जा सकता है।